सो गाइस आज मैं हूँ सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर और यहाँ से आज हम एक स्पेशल जगह जा रहे हैं और वहाँ से सीधे सीधे मेरे बगल में आप देख सकते हैं ये प्रतिभा सिनेमा है और इसी से एकदम सीधे हम जा रहे हैं सचिवालय के पीछे आए हूँ। यहाँ पे एक जगह हम लोग बाटी चोखा खाने आए हैं, ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। ये है लिट्टी चोखा, इनका तीन वैरायटी मेरे पास है, आटा की, बेसन और पनीर की। अच्छा, इसके अलावा मैं मट्ठा रखता हूँ, घर का मट्ठा, निजी मट्ठा रखता हूँ। सीजन में गुड़ रखता हूँ, सीजन में चने चना रखता हूँ, सत्तू रखता हूँ, जो सत्तू रखता हूँ सीजन में। चटनी हो गया, विनेगर हो गया, ये लहसुन, घर का लहसुन है मेरा। अच्छा, ये प्याज हो गया, लेमन हो गया, हरी मिर्च हो गया। क्या बात है, ड्रेसिंग के लिए धनिया लीजिए आप, बिना घी के दीजिएगा, मैं प्लेन बाटी, बेसन आटा पनीर, एक बेसन एक पनीर खिलाइए बढ़िया, एक आटा, हाँ एक बेसन एक पनीर, एक आटा पनीर खिलाइए बढ़िया, आटा पनीर, आटा पनीर तो सादा सादा आटा, तो गरम बाटी सॉफ्ट निकाल दो आटा की है। हाँ यार, कितना बोलो, कितना बोलो, कितना आलू पाप बचा बोलो, हाँ शादी हो गई, बेटा हो गया 11 साल का, अभी खा रहे। कौन सी बाटी सबसे अच्छी लगती है आपको? हम लोग तो आटे वाली विद मक्खन खाते थे, बेसन वाली इतनी पसंद नहीं है। अच्छा, आटे वाली विद मक्खन, घी सरी विद मक्खन खाते थे। तो ऑन द स्पॉट एक फीडबैक मिल गया जो यहाँ पे पहले से आते रहते हैं उनका, पास में ऑफिसेज हैं जहाँ से बहुत सारे लोग आते रहते हैं, रेगुलर वाले बहुत सारे कस्टमर हैं यहाँ पे। ओके, सो हम अपने बाटी और लिट्टी लेकर के थोड़ा किनारे आ गए हैं बिकॉज वहाँ पे बहुत क्राउड थी, शॉप उधर है और उधर से हम इधर तरफ आ गए हैं। चूखे में प्याज है, मिर्च है, नींबू है, विनेगर है, ये रेगुलर बाटी है और ये पनीर वाली बाटी है। लेकिन शो यू क्लोज अप, तो ये है पनीर वाली बाटी, मैंने डिलिब्रेटली इसमें घी नहीं लगवाया है, मैंने जो बाटियाँ वो ऐसी भी हैं और मुझे मतलब बिना घी के ज़्यादा से ठीक लगता है। पहले ये आटे वाली खाते हैं बाटी, ज़रा इसको टेस्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा मिर्च भी खा ली साथ में यार, मैंने पानी भी लिया था और मुझे नहीं पता था कि मिर्च खाने के बाद इतना तेज़ मुझे हिचकी आने लगेंगी। अब पनीर वाली बाटी ट्राई करते हैं, ये इनकी पनीर बाटी है, प्रॉपर पनीर स्टफ्ड है, थोड़ा ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पनीर डाल के बोल दिया कि पनीर बाटी है, प्रॉपर पनीर स्टफ्ड है। जो थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है, विनेगर मिला हुआ है, लहसुन दिया है, प्याज दिया है, सब चीज़ें डाली ऊपर से। नॉर्मल आप बाटी चोखा की दुकान पे जाएंगे तो दे वोंट गिव यू दीज मनी थिंग्स, मतलब इतनी सारी चीज़ें नहीं देंगे, बट इन्होंने काफ़ी चीज़ें मिला के एक साथ में दी हैं, बहुत बढ़िया है, प्योर देसी, वेरी नाइस। भीड़ इसलिए ही नहीं है कि लोकेलिटी यहाँ की अच्छी, बट टेस्ट भी बहुत गजब का है। आप वीडियो बना रहे हैं, हाँ कैसा लगा? आप मज़ा आई एकदम बढ़िया लगा भैया। आपको अच्छा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा भैया, एकदम रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेशिंग है भी। ये पहले बता रहे हैं 5 तरह की बाटी चोखा लगाते थे, मतलब अभी 4 तरह के थे, बट इन्होंने फिर कस्टमर जैसे फीडबैक रहा, चीज़ें रही, सुरीश मतलब इन्होंने फिर फाइनलाइज किया कि 3 लगाते हैं और 3 में से 2 तो मैंने ट्राई की, दोनों बहुत अच्छी लगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि बेसन वाली भी बहुत अच्छी होगी। सो देसी मट्ठा भी मिलता है यहाँ पर, तो ये जो शॉप है ये आपको सचिवालय आप वहाँ पे देख पाएंगे, बहुत पीछे आपको वहाँ पे सचिवालय दिखेगा, अगर आप वहाँ से सीधे अंदर चलते चले आते हैं तो लेफ्ट हैंड पे आपको ये शॉप मिलेगी जितेंद्र के नाम से, हालांकि कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट बस सीधे शॉप है और आप यहाँ पे आके लिट्टी चोखा का मज़ा ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहिए सफ़रखाना के साथ।